हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कॉलर वाला वेस्टर्न टाइप ब्लाउज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कॉलर वाले वेस्टर्न टाइप ब्लाउज़ को वो लोग काफ़ी आसानी से बना सकते हैं जिनको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग आती है। और दोस्तों, जिनको कटिंग नहीं आती है तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमने अपना एक शो चलाया हुआ है जिसका नाम है छोटी मगर मोटी बातें सिलाई के बारे में बिगनर्स के लिए। वहाँ पर हमारे रूप सर खुद जीरो से सिलाई सिखा रहे हैं। तो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सीखने के लिए आप हमारे उस शो को भी फॉलो करना शुरू कर दें। तो चलिए आज का अपना ये ब्लाउज़ बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कॉलर वाला वेस्टर्न टाइप ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिंपल कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग ऑलरेडी की हुई है। इसमें दोस्तों कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के लिए देखिए, सबसे पहला चेंजेस ये है, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉट्स का निशान लगा रखा है, बाकी डॉट्स के निशान हमने नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसमें ये सबसे पहला चेंजेस है। इसके बाद दोस्तों, और चेंजेस करने के लिए हम अपने पूरे ब्लाउज को पूरी तरह खोलेंगे। देख लीजिए आप दोस्तों, किस तरीके से हम इसको सही से बिछाएंगे और बिछाने के बाद में कैसे कैसे इसमें चेंजेस करेंगे। तो पहले अपनी बैक को खोलेंगे। तो देखिए, बैक का ये उल्टा भाग है, उल्टे भाग को हम नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए, अब हमारा उल्टा भाग नीचे चला गया है और सीधा भाग ऊपर की तरफ है। पहले हम अपनी बैक को अच्छी तरह से बिछा देंगे। उसके बाद दोस्तों, जो हमने फ्रंट कटिंग की है, फ्रंट में से एक एक भाग अलग करेंगे। ये देखिए, तो एक एक भाग को अलग करने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से इसको सेट करेंगे। ये आपको नीचे से देखिए, बैक आपकी आधा इंच छोटी होगी, क्योंकि हमेशा जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे, कॉलर वाला हो या सिंपल हो, आपको अपनी ब्लाउज की बैक आधा इंच छोटी ही काटनी होगी। उसके बाद जब आप इसको बनाएंगे पूरी तरह कंप्लीट करके, तो आपकी बैग अपने आप ही पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरे वाले फ्रंट को इस तरीके से इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों, बैग हमने सीधी बिछाई है और फ्रंट जो बिछाए हमने ऊपर की तरफ उल्टे भाग हैं और नीचे की तरफ सीधा है, मतलब कि सीधा ये और सीधा ये आपस में बैक और फ्रंट सीधे सीधे मिल गए। ऊपर की तरफ हमारे फ्रंट का उल्टा भाग आ गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज बिछ गया है। अब हम इसमें जो चेंजेस करेंगे, ध्यान से देखना, चेंजेस दोस्तों जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे सीधे हाथ पर। तो दोस्तों, सीधे हाथ पे चेंजेस करने के लिए पहले आप जान लीजिए आपके ब्लाउज का सीधा हाथ कौन सा है। तो सीधा हाथ दोस्तों फिलहाल में तो आपका ये है, लेकिन जब ब्लाउज आपका बन करके कंप्लीट होगा और फिर सीधा किया जाएगा, सीधा करने के बाद में सीधा हाथ दोस्तों ये बन जाएगा। तो पहले हम चेंजेस जो करेंगे वो सीधे हाथ पे यही की तरफ करेंगे। तो चेंजेस करने के लिए देखिए दोस्तों, हमने जो अपने ब्लाउज का कॉलर वाला हाला काटा हुआ ये गोलाई, इस गोलाई से इधर की तरफ डेढ़ इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब के वन एंड हाफ पर। ये हमने अपना वन एंड हाफ पर एक मार्क लगा दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ हम अपना सीधा चार इंच पर निशान लगाएंगे, मतलब के फोर इंच पर। और ये जो फोर इंच पर निशान लगा रहे हैं, थोड़ा तिरछा लगा रहे हैं हम अंदर की तरफ। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी लगाना होगा, और लगाने के बाद इस मार्क को सीधा करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर सीधा कर दिया है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों, आपके ब्लाउज की जो फिटिंग की मार्किंग है, मतलब कि यहाँ पर एक मार्जिन ये छोड़ा हुआ है, देखिए इतने मार्जिन पर आपको निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में इस मार्जिन से इस मार्जिन तक अपने स्केल को इस तरीके से रखना होगा। ये देखिए, और रखने के बाद में आपको इस तरीके से ये सेफ दे देनी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने अपनी सेफ दे दी है। अब हम इसकी जो कटिंग करेंगे, बैक भाग और फ्रंट भाग दोनों को एक साथ लेते हुए कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज में बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में चेंजेस कर दिए हैं सीधे हाथ की तरफ। अब इसी तरीके से सेम जैसे ये हमारी लाइनिंग कट गई है, वैसे ही हम अपने कपड़े को भी काटेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने ब्लाउज के कपड़े की लाइनिंग की सेफ के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है, बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की। और दोस्तों, इस ब्लाउज की खासियत ये है, इसमें सिर्फ एक ही आस्तीन रहेगी, वो भी सिर्फ उल्टे हाथ पर। तो उल्टे हाथ की आस्तीन दोस्तों हमने यहाँ पर फुल लेंथ की कटिंग कर ली है नॉर्मली तरीके से, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे सिलाई शुरू करनी है पहले जान लीजिए। सबसे पहले आपको अपनी ये जो सेफ देख रहे हैं, इस सेप पर क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है, और कुछ सिलाई आपको यहाँ पर भी लगानी है। तो चलिए मशीन पर आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ब्लाउज बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना वो वाला फ्रंट ले लेना होगा जिस पर आपने अपनी सेफ की कटिंग की हुई है। उसके बाद ऐसे ही सेम आपको लाइनिंग भी ले लेनी होगी।
लाइनिंग को किस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे जिससे ये आसानी से अंदर की तरफ पलट जाए। तो देखिए ये हमारी लाइनिंग नीचे की तरफ सीधी है और ऊपर की तरफ उल्टी है, तो सीधे से हम सीधा मिलाकर रखेंगे। देखिए ये वाला जो भाग है ये भी ऊपर की तरफ सीधा है और सीधे से सीधा इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए कपड़े को क्वार्टर क्वार्टर इन सब हर साइड से निकाल देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कटिंग की हुई होती है। इसके बाद हम यहाँ से क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए अपने शेफ के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, एक सिलाई यहाँ की तरफ भी लगानी है। तो कैसे लगानी है और कितनी लगानी है जान लीजिए। तो देखिए ये हमारे कॉलर का जो हाला है ये हमने अपनी शेफ के अकॉर्डिंग कटिंग किया हुआ है और इसमें आपको करना ये है, देखिए ये किनारी है, किनारी से ये लाइनिंग की किनारी नापनी, ना कि आपको नीचे वाले कपड़े की। लाइनिंग की किनारी से एक इंच अंदर की तरफ आपको मार्क लगाना होगा। देखिए इस तरीके से ये हमने एक इंच के अंदर की तरफ मार्क लगा लिया है और उसके बाद ऊपर से जो लाइनिंग की शेप है, लाइनिंग की शेप से नीचे की तरफ आपको क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है सीधी। सिर्फ यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पर लाकर उतार देनी है। और यहाँ पर जब आप सिलाई को शुरू करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रहे आपको अच्छी तरीके से टांकी बांध देनी है, यहाँ आपकी सिलाई खुलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसकी कटिंग बिल्कुल लाइनिंग से मिलाकर कटिंग कर देनी है, यहां से और यहां से यहां तक। ये हमने कटिंग कर दी है और दोस्तों आपको यहां पर एक कट भी लगाना होगा, कट इस तरीके से लगाना होगा, ध्यान रहे आपकी सिलाई ना कटे। और एक कट दोस्तों हम यहां पर भी लगाएंगे जिससे हमारा फ्रंट अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब हम अपने फ्रंट को फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए इस तरीके से आप अपने लाइनिंग को और कपड़े को अलग अलग करें और करने के बाद में इस तरीके से खोल लें। और खोलने के बाद में दोस्तों इस पर अच्छी तरीके से हम आयरन कर लेंगे, मतलब कि प्रेस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रेस लगाने के बाद में हमारा जो फ्रंट है कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा अंडरग्राउंड हो गया है और उसके बाद देखिए ये हमारा आर्म होल भी अंडरग्राउंड हो गया है। इसके बाद हम अपने दूसरे वाले फ्रंट को तैयार करेंगे, इसमें भी दोस्तों थोड़ा सा हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। तो वो किस प्रकार से होगा देखिए, इसमें भी आपको अपने ये जो देखिए लाइनिंग है, लाइनिंग के किनारे से अंदर की तरफ हाले में अंदर की तरफ एक इंच में निशान लगाना होगा। तो ये हम अपना एक इंच पर मार्क लगा देते हैं और एक इंच पर मार्क लगाने के बाद में ऊपर से लाइनिंग के क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरीके से एक कट लगाना होगा जिससे कि आपका लाइनिंग वाला फ्रंट अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ये देखिए हमने अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में हम अपने फ्रंट पे प्रेस लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोस्तों हमारा ये वाला फ्रंट भी यहाँ पर अंडरग्राउंड हो गया है। और दोस्तों जिस तरीके से हमने अपने ये वाले साइड को अंडरग्राउंड किया है वैसे ही सेम बैक में भी अंडरग्राउंड करके फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बैक पार्ट को भी अंडरग्राउंड बना करके तैयार कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताएंगे, पहले हम अपने तीनों पार्ट को उल्टा कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको भी उल्टे करने होंगे तीनों भाग। और उल्टा करने के बाद में दोस्तों आपको अपनी लाइनिंग के किनारी पर सिलाई लगाते हुए अपने ब्लाउज वाले कपड़े को सिलाई से अटैच करना है। इसी तरीके से तीनों भाग पर आपको ये काम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, आपको अपनी लाइनिंग के बिल्कुल मिलाकर कपड़े की कटिंग कर देनी है। इसी तरीके से हम अपने तीनों भाग में कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने तीनों भाग में एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये मामला आएगा। देखिए एक भाग में प्लेट का निशान है और एक भाग में प्लेट का निशान नहीं है। इसके लिए आपको करना ये होगा, आपको ये वाले निशान को थोड़ा डार्क करना होगा। और डार्क करने के बाद में दोस्तों आपको अपने ये वाले फ्रंट को इसके ऊपर इस तरीके से बिछाना होगा।
अच्छी तरीके से बिछाने के बाद में दोस्तों आपको इसके ऊपर हाथ मारना होगा, जिससे कि आपके सारे निशान ऊपर वाले भाग पर छप जाएं। ये देखिए, ये आपकी प्लेट्स का निशान आसानी से आ गया है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने हाई और हुक की पट्टी तैयार करनी होगी। तो हाई हुक की पट्टी तैयार करने के लिए आपको अपना बचा हुआ अस्तर लेना होगा। तो बचे हुए अस्तर को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए ये आपका इस तरीके से सीधा भाग बच कर आएगा सामने। तो इसको आप इस तरीके से सीधा ही करके काट लें, और इसकी जो चौड़ाई वो रखेंगे आप 3 इंच। तो यहाँ पर हम अपनी 3 इंच पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, हमने 3 इंच पर इसकी कटिंग कर ली है, और ये एक नहीं है दोस्तों, दो हैं एक साथ। ये देखिए, दो अस्तर एक साथ हमने 3 इंच के कट कर लिए हैं। इनकी लंबाई कैसे सेट करेंगे, देखिए इनकी लंबाई को दोस्तों ऐसे सेट करेंगे, देखिए दोनों को हम एक साथ रखेंगे, और रखने के बाद में दोस्तों आप अपना एक फ्रंट ले लें, दो कोई भी दोनों में से, और इस तरीके से आप अपने अस्तर को इससे नाप लें, और नापने के बाद में दोस्तों आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई काट लें। ये हमने लंबाई काट ली है, और लंबाई काटने के बाद में दोस्तों आपको लेना होगा सेम ब्लाउज का कपड़ा। लेने के बाद में दोस्तों आपको इसी तरीके से कटिंग कर लेनी होगी, जिस तरीके से ये आपकी पट्टियां हैं सेम। तो देखिए दोस्तों, अस्तर की तरह हमने सेम अपने ये वाले कपड़े में भी पीस काट लिए हैं। इसके बाद आपको अपने अस्तर को इस तरीके से इन कपड़ों के ऊपर सेट करना होगा, और सेट करने के बाद में दोनों भाग पर किनारी की सिलाई लगाकर कपड़े से अटैच कर देना होगा अपनी लाइनिंग को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी लाइनिंग को कपड़े से किनारी की सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम आपको पहले हुक वाली पट्टी बताएंगे कौन से हाथ पर बनती है। तो ये जो हुक वाली पट्टी होती है दोस्तों, हमेशा आपकी राइट हैंड पर बनती है। तो राइट हैंड पर पट्टी बनाने के लिए हम अपनी पट्टी को इस तरीके से ऊपर रखेंगे, और 1/2 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ इसके बराबर, बिल्कुल ये देखिए आपकी जो सेफ है, इस सेफ पे बिल्कुल मिला करके यहाँ पर रखेंगे बढ़िया तरीके से, और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई से अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया है, और अटैच करने के बाद में दोस्तों आप अपनी पट्टी को इस तरह खोलेंगे, और खोलने के बाद में नाखून से इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे, और फिर आपको ये मार्जिन अंदर की तरफ इस तरीके से अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर एक पैर की सिलाई लगानी है, मतलब कि 1/4 इंच की दूरी पर। ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है, और इसके बाद दोस्तों हम इसको उल्टा करेंगे। ये उल्टा करने के बाद में दोस्तों आपको पहले 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करना होगा, और उसके बाद आपको ये जो सिलाई आप देख रहे हैं, आपकी दूसरी वाली जो सिलाई आई है, इस सिलाई के ऊपर इसको इस तरीके से मिलाकर रखना होगा, और रखने के बाद में दोस्तों आपको इसकी किनारी पर सिलाई लगानी होगी। दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाली पट्टी को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा देनी है, जो कि बाद में ये सिलाई खुल जाएगी। ये हमने अपनी कच्ची सिलाई लगा दी है दोस्तों। ये इसलिए लगती है क्योंकि आपको यहाँ पर आप हाथ से हेमिंग करनी होती है, मतलब कि तुरपाई, और दोस्तों इसके बाद आपको अपनी हाई वाली पट्टी को तैयार करना है। हाई बनाने के लिए दोस्तों हमने अपने ब्लाउज का लेफ्ट पार्ट लिया हुआ है, और साथ ही हमने अपनी ये वाली पट्टी भी ली हुई है। पट्टी का सीधा भाग ऊपर की तरफ रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने ये वाले पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखना होगा, और रखने के बाद आपको 1/4 इंच की सिलाई लगानी होगी। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में आपको अपने पार्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद में पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में नाखून से फिनिशिंग कर लेनी है। ये हमने फिनिशिंग कर ली है, और फिनिशिंग करने के बाद में ये काम ध्यान से देखना जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। आपको अपनी पट्टी को पहले इस तरीके से, ये देख रहे सिलाई लगी है, इससे 1/2 इंच आगे की तरफ निकालते हुए फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद में 1/2 इंच जो हमने आगे की तरफ निकाला है सिलाई जो लगाई है, इससे बिल्कुल मिला करके इसको रखेंगे, और रखने के बाद आपको ऊपर की तरफ ये वाला कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में ये जो देख रहे हैं आप अंडरग्राउंड वाला हिस्सा, इस अंडरग्राउंड वाले हिस्से से आपको सीधी सिलाई लगानी होगी। तो ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है, और सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे 1/4 इंच का कपड़ा छोड़कर।
इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, अपनी पट्टी को इस तरीके से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में कैंची की नोक की मदद से आप इसका कोना अच्छी तरीके से निकाल दें। अब ये देखिए आपका जो कोना है वो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से अपनी सिलाई को कंप्लीट इसी तरीके से कर देंगे। देखिए सिलाई जो कंप्लीट करेंगे वो पहले कन्नी की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद अंदर की तरफ एक पैर की सिलाई भी लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी हाई वाली पट्टी भी तैयार हो गई है। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, अपने पार्ट को इस तरीके से उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद में ये वाली डट्स और दूसरे वाले पार्ट में डट्स और बैक वाले पार्ट में डट्स डाल लेनी है। तो पहले हम आपको अपने एक भाग में डट्स डालकर दिखाते हैं। डट्स डालने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा, यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में देखिए दोस्तों आपके निशान का जो आकार है सेम इसी आकार पर आपको सिलाई लगा देनी है। मतलब कि यहाँ से आप हाफ इंच पर शुरू करेंगे और यहाँ लाकर बारीकी से उतार देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को बारीकी से उतार दिया है। इसी तरीके से हम अपने दोनों भाग पर डट्स डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने तीनों भाग पर प्लेट्स डाल दी हैं और प्लेट्स डालने के बाद में दोस्तों आपको करना ये है, बैक पार्ट पर अपनी दोनों फ्रंट की कंधी को जोड़ना है। तो पहले हम अपने एक पार्ट की कंधी इस तरीके से यहाँ पर मिलाकर रखेंगे और मिलाने के बाद में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई से अटैच करेंगे। उसके बाद दूसरी वाली कंधी को इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद में इसको भी हाफ इंच के मार्जिन से अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी दोनों साइड की कंधी जोड़ ली है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए दोस्तों आपको करना ये है, अपने फ्रंट को इस तरीके से खोलना है और हाई वाली साइड दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस पर आपको अपनी हुक वाली साइड इस तरीके से चढ़ा कर रखनी है और यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से मिला लेना है और मिलाने के बाद में आपको इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। ये हमने अपने फ्रंट को कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर दिया है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए इसको आप किस तरीके से सेट करेंगे, देखिए इस तरीके से हम अपने फ्रंट को उठाकर बैक के ऊपर रख देंगे और रखने के बाद में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से सेटिंग से मिला लेना है। अब दोस्तों आपके ब्लाउज की सेटिंग मतलब कि फिटिंग कितनी भी हो आपको सेट करने में दिक्कत नहीं होगी, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने जो अपना मार्जिन छोड़ा हुआ है इस मार्जिन को हम पहले नाप लेते हैं, डेढ़ इंच हमारा ये मार्जिन है तो डेढ़ इंच हम यहाँ पर भी एक मार्क लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी जो भी फिटिंग है मतलब कि अगर 36 इंच है तो 36 इंच का हाफ कर लें, 18 इंच होगा और 18 इंच का हाफ होगा 9 इंच, तो 9 इंच में आपका एक पार्ट इस तरीके से आप नाप सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा 9 इंच में ये पार्ट तैयार हो रहा है। ये पट्टी जो है देखिए अंदर की तरफ हमारी एक्स्ट्रा है, तो 9 इंच का मतलब है कि आपका पूरा भाग जो होगा वो 18 इंच पर, देखिए हमारा 18 इंच पर फिक्स आ गया है। आपकी भी कटिंग अगर किसी भी तरीके की होगी इसी तरीके से आपको ये नाप लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको नापनी है अपनी कमर। तो कमर किस प्रकार नापेंगे, देखिए कमर नापने के लिए आप अपने पट्टी के बराबर में यहाँ पर एक सेंटर में निशान लगा लें, मतलब कि आपकी जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको छोड़कर जितनी भी आपकी कमर है उसका आधा कर लें और आधा करने के बाद फिर से आधा कर लें। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारी 27 है तो 27 का आधा करेंगे और 27 का जो फिर आधा होगा वो होगा 7.5, मतलब कि 7 इंच में 1/4 इंच कम। तो यहाँ पर हम 7 इंच में 1/4 इंच कम निशान लगा लेते हैं। इसी तरीके से 7.5 का मार्क यहाँ पर लगा देंगे और इस मार्क को इस तरीके से इस वाले मार्क से मिला देंगे। ये हमने अपनी फिटिंग की मार्क लगा दी है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई देखिए दोस्तों हमने अपनी फिटिंग की लगा लेनी है। हमने यहाँ पर सिंगल सिलाई लगाई है, आपको डबल लगानी होगी। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को कम कर देंगे दोनों साइड पर। एक्स्ट्रा मार्जिन काटने के बाद में हम आपको अपने ब्लाउज को सीधा करके बताते हैं। देखिए दोस्तों सीधा करने के बाद में हमारे जो ब्लाउज का लुक है
वो बहुत ही खूबसूरत आ गया है। मतलब कि देखिए यहाँ का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से आ गया है। और इसके बाद दोस्तों हम अपने ये जो आर्मोल देख रहे हैं आप, इस आर्मोल पे नॉर्मली तरीके से अपनी आस्तीन को बना करके चढ़ा लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने नॉर्मल तरीके से ब्लाउज में आस्तीन चढ़ा ली है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हमने अपनी कच्ची सिलाई लगाई है इसको आपको खोल देना है इस तरीके से। और खोलने के बाद में दोस्तों देखिए नीचे की तरफ आपका ये वाला भाग कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, पहले इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करना है और जितना मार्जिन आपने छोड़ा हुआ है ब्लाउज में नीचे उसको इस तरीके से मिलाकर फोल्ड कर देना है और कच्ची सिलाई लगा देनी है। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में आपको यहाँ पर हाथ से हेमिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हम अपनी कच्ची सिलाई से इसको फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने ब्लाउज को नीचे से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने हाले को नापकर कॉलर की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हाला नापने के लिए दोस्तों आपको अपने हाले को यहाँ से नापना होगा जो कि हमने ये कट लगाया हुआ, देखिए यहाँ पर तक अंडरग्राउंड है। और इसके बाद इसको नापने के लिए आपको अपने इंची टेप को यहाँ पर इस तरीके से रखना होगा और हाथ से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद में इस तरीके से आपको आगे की तरफ ये लेकर जाना है। तो देखिए यहाँ कट तक हमारा जो कॉलर है वो 16.5 इंच का तैयार हो रहा है। तो 16.5 इंच का कॉलर हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कॉलर बनाना नहीं आता है, इसके बारे में हमने अपनी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉलर बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो हम अपने ब्लाउज में नॉर्मली तरीके से कॉलर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने वेस्टर्न टाइप ब्लाउज में कॉलर चढ़ा दिया है और कॉलर चढ़ाने के बाद में इसका लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। दोस्तों अगर आपको कॉलर बनाना और लगाना सीखना है तो इसके लिए हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों पहनने के बाद में आपका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। और अगर डिज़ाइन पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को और हमारे इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फोटो डालते रहते हैं, वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।